सो रिसेंटली मैं अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, तो उसमें मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला जिसका नाम था डिवीजन ऑफ लेबर। तो हम रोज अपनी लाइफ में आसपास लेबर्स को देखते हैं, और लेबर वही नहीं है जो मजदूरी कर रहे हैं। लेबर इज एनीबडी जो कि काम कर रहे हैं। लेबर मीन्स वर्क, लेबर का मतलब मजदूर नहीं होता। हम लोग अपने आसपास हमेशा सुनते आए हैं कि जो मजदूर है वो लेबर है। लेबर कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने एक प्रोफेशनलिज्म दे दिया उन लोगों को जो जॉब करते हैं। अगर समझा जाए तो जो बंदा इंसान जॉब कर रहा है वो भी लेबर ही है, वो भी नौकरी कर रहा है, और ये जो मजदूर है ये भी किसी ना किसी की नौकरी कर रहा है। तो ये दोनों लेबर ही हैं, लेकिन इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एक स्ट्रेटिफिकेशन लाने के लिए इकोनॉमी में, इसको एम्प्लॉय बोला जाता है और इसको मजदूर बोला जाता है या लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर भी उसी कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है जिस कॉन्सेप्ट पे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो रिलीजन पे बनाई, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अगर हम सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर देखें तो सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर इज समथिंग जो कि प्रिमिटिव लोग करते थे अगेन। एंड ये जो सिंपल प्रोसेस है डिवीजन ऑफ लेबर का, इसमें इंक्लूड है हंटिंग, फिशिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज एंड जो कोई भी काम प्रिमिटिव इंसान करता है। तो अगर हम इसको थोड़ा साइड रखें, क्योंकि इससे हमें कुछ खास मतलब है नहीं, जो हो चुका है वो हो चुका है। हम रहते हैं कॉम्प्लेक्स एरा में, जिसको हम मॉडर्न एरा भी कहते हैं, जो असली नाम है आपके सो कॉल्ड मॉडर्न एरा का, दैट इज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी या कॉम्प्लेक्स एरा। तो यही एरा है जहां लिटरेचर का जन्म हुआ है, यही एरा है जहां सारी स्टडीज पैदा हुई हैं, और सारे ऐसे लोग ग्रो हुए हैं जिनकी वजह से आज ये सोसाइटी जमी बैठी है। एंड बाय जमी आई डोंट मीन स्टक बट स्टेबल। तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को अगर हम समझें, तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर दो तरीके से होता है। एक जो मुझे लगता है, वैसे तो इसको पूरी को एक ही बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं। एक है जो थोड़े माइंड से शार्प है, स्मार्ट है, कुछ भी कह लो उन्हें, और दूसरे हैं जिनको थोड़ा दिमाग बेचना है, उन वो चाहते हैं उनका दिमाग इस्तेमाल ना हो। तो वो जैसे आपने 3 डेट्स में भी देखा होगा, वो तो बुली करता है उन लोगों को, फरहान और राजू को, कि इन दोनों जीनियसिस के ब्रेन को बेचेंगे तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, यूज नहीं है। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली देखें तो हमारे आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने दिमाग का यूज नहीं करते। उनकी लाइफ में अगर उनको कोई काम सबसे एंड में करना है तो उनके दिमाग का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करना। तो मुझे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में ऐसी दो कैटेगरीज दिखती हैं। जिन लोगों ने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है उन सबको एडम स्मिथ के बारे में 1000% पता होगा। एडम स्मिथ इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी अराउंड, टू बी वेरी प्रिसाइज, 1776 में, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। और वेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने बहुत ही मतलब वाइज तरीके से सिखाया था कि डिवीजन ऑफ लेबर होती क्या है। अगर मैं उनके शब्दों में बात करूं तो डिवीजन ऑफ लेबर वो है कि अगर हम एक काम को प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर देते हैं, मतलब अगर हम एक काम को सिस्टमेटिक मैनर में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी कितनी ग्रो हो सकती है ना, ये हमें खुद को ही नहीं पता है। ये उन्होंने एक्सप्लेन की थी अपनी उस बुक में। तो अब अगर एग्जाम्पल पे आए तो उन्होंने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया था कि एक बार वो एक पिन फैक्ट्री में गए। पिन फैक्ट्री इज समथिंग जो कि पेपर पेन्स आपने देखी होंगी, तो पेपर पेन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में वो गए, तो उन्होंने देखा वहां पे 10 वर्कर्स थे, और एक पिन को बनाने में, एक सिंगल पिन को बनाने में 18 स्टेप्स लगते हैं। और वो 18 स्टेप्स, अब थोड़ा बताने के लिए मैं बता सकता हूँ। फर्स्ट आपको एक आयरन ओर में से मटेरियल निकालना होता है, तो उसके लिए खुदाई हो गया, उसके बाद शार्पनिंग, स्मूदनिंग, उसको स्ट्रक्चर देना एक पिन की फॉर्म में जो कि रॉ आयरन निकला, और ऐसे सो ऑन 18 स्टेप्स होते हैं, और 10 वर्कर थे उनकी उसमें फैक्ट्री में। अब इसके बाद
उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो 10 वर्कर थे ना, वो एक वर्कर सिर्फ 20 पिन बना पा रहा था एक दिन में। तो टोटल कितनी पिन्स हो गई? टोटल से 200 पिन्स हुई जो एक दिन में मैन्युफैक्चर हुई है। तो वो गया उन वर्कर्स के पास और सबको ऑब्जर्व किया बहुत ही केयरफुली। देन एडम स्मिथ फाउंड कि ये जो वर्कर्स है ना, ये एक वर्कर 18 स्टेप्स फॉलो कर रहा है और ये पूरी पिन, एक पिन जो बन रही है ना, वो खुद ही बना रहा है, इनका वर्क डिवाइडेड नहीं है। तो इसका मतलब ये है ग्राइंडिंग और में से निकालना सब कुछ वो सिर्फ एक वर्कर कर रहा है, काम डिवाइडेड नहीं है। तो वो उस फैक्ट्री के ओनर के पास गए एडम स्मिथ एंड उन्होंने बोला कि देखो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इनका काम डिवाइड करके देखते हैं, कुछ नुकसान तो होगा नहीं लेकिन हमको एक सीख मिल जाएगी कि अगर हम ये गलत निकल जाता है एक्सपेरिमेंट तो हमको ये तो पता लग जाएगा ना एटलीस्ट की क्या नहीं करना। तो एडम स्मिथ ने ऐसे ही कुछ प्रपोजल उस इंसान के सामने रखा एंड वो 18 स्टेप्स उन 10 लोगों में इक्वली बांट दिए। लाइक कि आयरन ओर को निकालने का जो काम है ये बहुत हैवी काम है, आपको बार बार डिगिंग करनी है, उसके बाद भी यू आर नॉट श्योर कि वहां मिले ही मिले, तो ये थोड़ा हैवी काम है। तो ये एक काम पहले इंसान को दे दिया। ऐसा ही दूसरा काम जिसमें उस आपको उस आयरन ओर को उस जगह से फैक्ट्री तक लाना है और वहां पे उसको थोड़ी सी शेप देनी है, ऐसा एक काम दूसरे इंसान को दे दिया और ऐसे ही फिर बाकी दो 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 करके 10 लोगों में काम बांट दिए। और एक महीने बाद जो रिजल्ट्स थे ना, उससे एडम स्मिथ वॉज लाइक ड्रॉप डेड शॉक। और वो फैक्ट्री वर्कर तो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो गए अपने एक मैनर में, लेकिन जो ओनर था उसके तो परखच्चे ही उड़ गए। बिकॉज अब एक दिन के अंदर फैक्ट्री में 48,000 पिन्स मैन्युफैक्चर हो रही थी। कैन यू इमेजिन एक दिन में 200 पिन से लेके 48,000 पिन्स, कितना बड़ा जंप है ये। और ये कैसे हुआ? क्योंकि करते करते विद प्रैक्टिस ना, वो लोग एक ही काम को बार बार करते थे, अब उनको वो 18 स्टेप करने की जरूरत नहीं है एक वर्कर को। वो वर्कर अपना एक काम उसने पकड़ा और उसमें उसने इतनी प्रैक्टिस करी बार 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 कि वो उसका स्किल सेट एक बहुत एलीट लेवल का आ गया। तो अब जब आपका स्किल सेट बहुत अच्छा होता है ना, तो आपको वो सेम काम करने के लिए टाइम यूजुअली कम लगता है। अगर हम इसी नंबर को देखें 48,000 पिन्स इन अ डे जो 10 लोग मिलकर बना रहे हैं, पहले एक बंदा सिर्फ 20 पिन बना पा रहा था। अगर हम इसको डिवाइड करें तो एक बंदा 4800 पिन्स एक दिन में बना रहा है, इट्स ह्यूज। तो ये पावर है डिवीजन ऑफ लेबर की, इससे एफिशिएंसी बढ़ी, जो लेबर है उसका स्किल सेट वॉज इंक्रीज ऑन अ वेरी ह्यूज लेवल, उन सब की पोटेंशियल बढ़ गई। और क्योंकि इतना बड़ा नंबर इतने कम टाइम में अचीव हो गया, तो इससे जो ओनर था फैक्ट्री का, उसके पास एक सरप्लस अमाउंट ऑफ फंड्स आ गए। बिकॉज अगर उसको लेट्स से 6 महीने लग रहे हैं ये नंबर अचीव करने में, वैसे तो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टिल अगर हम एग्जांपल से समझें कि उसको 6 महीने लग रहे हैं अगर 48,000 पिन्स बनाने में, अगर एक महीने में एक दिन में 48,000 पिन्स बन रहे हैं, तो ये जो बाकी का गैप है ये अब सरप्लस हो गया। जो कॉस्ट उसकी 6 महीने में आनी थी अब वो नहीं आएगी। तो इससे फैक्ट्री वर्कर को बहुत ज्यादा फायदा हो गया, फैक्ट्री ओनर वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया, प्लस एक अच्छी खासी स्टडी आ गई एडम स्मिथ के पास जो कि आज हम पढ़ पा रहे हैं। और अगर हम इससे ही देखें तो हम अगर बहुत क्लोजली देखें अपने आसपास ही जिन लोगों को अपने क्राफ्ट में बहुत ज्यादा महारत कह सकते हैं हासिल होती है, उनको वो काम करने में पहले को तो टाइम बहुत कम लगता है एंड दे डू इट विद अ एब्सोल्यूट फिनेस।
अब वो चाहे उसका रेट कस्टमर से महंगा ले या सस्ता ले, वो ले सकते हैं बिकॉज दे आर एट देयर बेस्ट। तो यही सीखा मैंने इस कॉन्सेप्ट से। आई होप यू लाइक इट। पीस।